फैमिली कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग करने वाले हैं DMDF और जर्नी वाली रीडिंग, और हमारे DM से कुछ मैसेजेस भी लेंगे। तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। ऑल्सो गाइज, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग्स, हीलिंग्स या जो कुछ भी लेना चाहते हैं तो आप लोग मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर आप लोगों को हर वीडियो के नीचे मिल जाएगा गाइज, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। और अभी गाइज मैं हीलिंग करवाने वाली हूँ फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस का। तो अगर आप लोगों को फाइनेंस करियर में बहुत दिक्कत आती है, पैसों की बहुत दिक्कत है, तो आपको ये हीलिंग बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। ये हीलिंग आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रह सकती है। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। DM की करंट एनर्जीज क्या है? तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रहा है गाइस, DF की देखते हैं करंट एनर्जीज क्या है। काफी ज्यादा कार्ड्स निकल के आए हैं और देखते हैं जर्नी में क्या निकल के आता है, और फिर एंड में लेंगे DM के पर्सनल मैसेजेस भी। तो सबसे पहले DM की एनर्जी देखेंगे गाइस। DM बहुत ही ज्यादा मतलब लॉस में है, कहीं ना कहीं इमोशनल लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उनको फाइनेंशियल थोड़े से सिचुएशन में उन्होंने जितनी एफर्ट्स डाली है तो उनकी सैलरी बढ़ गई होगी, लेकिन उनकी इमोशनल हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। उनको मन की शांति नहीं है, वो मन की शांति के लिए इतना मेडिटेशन कर रहे हैं, उनका दिमाग ख़राब हुआ पड़ा हुआ है, इनडिसीशन में है वो, डर लग रहा है उनको बहुत ज़्यादा, एंजाइटी, पूरी पूरी रात सो नहीं पाते हैं और सोचते हैं कि DF बहुत मज़े से जी रही होगी। तो ये भी बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है DM के लिए कि वो वहाँ इंजॉय क्यों कर रही जब हम यहाँ सफ़र कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि ये कहीं निकल ना जाए, अगर इसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाए तो। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिख रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून कर्मा के लिए भी होता है। तो कहीं ना कहीं DM का टाइम आ गया है अपना कर्मा फेस करने का। कहीं ना कहीं अगर उन्होंने मेहनत पैसों में करियर में बहुत ज़्यादा की है तो वहाँ पे उनको करियर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी मिलेंगे, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं। लेकिन अगर उनका उन्होंने इमोशनली कोई एफर्ट्स नहीं लिए और बहुत ज़्यादा स्टबन हुए हैं तो उनका भी उनको फेस करना पड़ सकता है, बैकस्टैबिंग, इनडिसीशन, एंजाइटी, ये सब जो है DM का बड़ी तेज़ी से इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, स्टबननेस, ज़बरदस्ती, ज़िद्दी होना, बिना बात के एक ही बात पे चिपक के रहना, कुड़ कुड़ करना, ये सब जो है DM के लिए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है ये कर्मा। ठीक है, पैसे तो होंगे लेकिन कुरकुर करते रहेंगे तो क्या ही फ़ायदा है ना। मन की शांति भी इम्पॉर्टेंट होती है और पैसे भी। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी, जेलेसी, ईगो, एंगर सब दिखाई दे रहा है। ये हम लोग DF का देख रहे हैं, लेकिन DF जो है कहीं ना कहीं अब ये सोच रही है कि वो कार्मिक के साथ क्या कर रहे होंगे, वो कार्मिक के साथ वहाँ पे मजे कर रहे हैं क्या, कार्मिक को कभी छोड़ेंगे भी या नहीं, मेरे पास वापस आएंगे भी या नहीं। ये एंजाइटी में काफ़ी देर तक DFG है, लेकिन अब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि DF ने बहुत ज़्यादा माइंड पीस मिलने वाला है, क्योंकि आपकी DM आपके पास वापस आ रहे हैं रिकनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से आ रहे हैं, आपको अपना बनाने के लिए एकदम बहुत ज़्यादा मतलब फोर्स से आ रहे हैं, तेज़ी से आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा और पागलपंती के एटीट्यूड से आ रहे हैं, ईगो के एटीट्यूड से आ रहे हैं कि इसने मुझे पीछे पास में छोड़ कैसे दिया। बट गाइज मुझे एक बात, ये अगर आप पास्ट में इतना फ्रस्ट्रेटेड और एंजाइटी फील कर रहे थे
कि वो कार्मिक के साथ खुश है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा होगा, वहां पे सब सही चल रहा होगा, मैं ही यहाँ पे रो रही हूँ, मैं ही यहाँ पे वेट कर रही हूँ, ये सब जब वो वापस आएंगे तो आपको इनकी कथाएं सुनाएंगे और आपको बहुत ज्यादा ज्यादा बुरा भी लगेगा उनके लिए और शॉक भी। लेकिन गाइस मैं आपको कहूंगी कि आपको जितना भी बुरा लगे और जितना भी शॉक लगे डीएम की हालत सुन के, अपनी एनर्जी डीएम को मत दे देना। बहुत मुश्किल से आप लोग माइंड को पीसफुल कर पाए हो, तो वो आपको आकर ड्रेन कर जाए, ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लाइट वेट रहना चाहिए, कुछ भी ऐसे काम जो आपके डीएम को स्पिरिचुअली हेल्प कर सकते हैं या उनको प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं, स्ट्रिक्टली गाइड करूंगी कि नहीं करना है। उनका कर्मा है, वो उनको वो फेस करना जरूरी है। डीएम को उनका कर्मा मिलता है तभी वो डीएफ के पास आते हैं। तो डीएफ का ऐसे में काम क्या है कि उनको मतलब ज्ञान बांटना, ना कि उनको हिम्मत देना कि तुम लोग ये सब फेस कर सकते हो और ये सब, और उनके साथ स्टैंड करना उनके टफ टाइम्स में, ना कि उनके टफ टाइम्स को खत्म करना। ठीक है, चाहे जितने भी बुरे टाइम्स क्यों ना हो, ये मैं आपको क्लियरली बता दे रही हूँ। फिर बाद में मत बताना कि आपने बताया नहीं, बिल्कुल भी हेल्प नहीं करनी है उनके लिए, बिल्कुल भी प्रे नहीं करना है। जो भी टफ टाइम्स है उनको फेस करने देना है। आप लोगों का क्या काम होगा यहाँ पे कि उनको समझाना कि ऐसे अच्छे और बुरे दिन आते रहते हैं, इतनी एंजाइटी में मत रहो, और उनको थोड़ा मूड सही करना, उनको बेटर फील कराना। लेकिन उनके लिए, उनको के लिए बहुत कुछ करो, लेकिन उनको उस प्रॉब्लम से मत निकालो। बेसिकली कहने का मतलब ये है, क्योंकि अगर वो इतनी जल्दी और इजीली अपने कर्मा से निकल गए ना, तो वो वापस कार्मिक के पास चले जाएंगे, ठीक है, और आपको छोड़ देंगे। तो ये लेसन आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपने कार्मिक, अपने डीएम को सिर्फ लव और हीलिंग देना है दूर से, मतलब लव देना है उनको, उनको अपना लव दिखाना है, उनको अपना लव समझाना है, उनके साथ रहना है, उनके लिए जो भी बेयर मिनिमम, लेकिन उनको उसकी तकलीफ से नहीं निकालना है। वो कर्मा से आपको निकालने की ड्यूटी नहीं है, वरना आपको वो बाद में सफ़र करना पड़ेगा और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपके डीएम आपको छोड़ के चले जाएंगे और आप ही सफ़र करते रह जाओगे, ठीक है। तो ऐसे गलतियां बिल्कुल मत करना। को डिपेंडेंसी बहुत तेजी से आ रहा है आपकी लाइफ में। ट्रू, आपके ट्रू लव, आपके डीएम आपके पास वापस आ रहे हैं। पॉजिटिव रहो, उनसे प्यार करना सेफ होगा। लेकिन अगर आप लोगों ने गलतियां की जैसे मैंने बताया, तो वो अपने कार्मिक के पास वापस चले जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग को फिर बाद में धोखा ना लगे, इसीलिए आप लोग बहुत केयरफुली रहिएगा। डीएम आपसे क्या कहना चाहते हैं, देख लेते हैं गाइज आज की रीडिंग में डीएम आपसे क्या कहना चाहते हैं। माई फर्स्ट रिएक्शन टू एनीथिंग न्यू इज नो, तो सीधा वो कह देते कि कुछ न्यू उनको जिंदगी में ट्राई ही नहीं करना, कुछ नया उनको सीखना ही नहीं है। पहले बात जब उनको अनकंफर्टेबल लगता है तो सीधा मना करते, बाद में स्लोली स्लोली सीखने की कोशिश करते। तो उनको सीधे से ही ऐसे मत बोल दो कि अपनी जिंदगी चेंज कर दो, सीधा मना कर देंगे, है ना। थोड़ा थोड़ा करके उनको बताओ कि जरूरी है, ऐसा है वैसा, उनको अनफोल्ड करो, उनको स्लोली स्लोली उस चीज में डालो। कि इस डायरेक्टली मत बोलो तो कि तुमको उसको छोड़ना पड़ेगा, अपनी जिंदगी चेंज करनी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, अगर कार्मिक तुमको इतना तकलीफ देती है तो उसको डिवोर्स दे दो, छोड़ दो और आ जाओ मेरे पास। इतने ड्रास्टिक और बड़े बड़े स्टेटमेंट्स आपको नहीं बोलने हैं। आपको उनको बोलना है कि ठीक है, देखो सबके कर्मा होते हैं, तुम अच्छे कर्मा करो, तुम्हारा अच्छा टाइम आएगा, और अगर वो तुम जो डेस्टिन्ड होता है वही मिलता है। ऐसे करके उनको थोड़ा थोड़ा करके समझाना पड़ेगा, ठीक है, कि आप उनकी डेस्टिनी हो। ये नहीं कि भाई मतलब उसको चूज करो या मुझे चूज करो, फिर वो सीधा ना कर देंगे और सीधा मतलब रिएक्शंस देना चालू कर देंगे। बिहाइंड टेंडर स्ट्रॉन्ग शेल इज अ टेंडर लविंग हार्ट, तो कहीं ना कहीं वो अगर आपको इतना सख्त बन के दिखाते, कोई फीलिंग्स नहीं दिखाते, क्योंकि वो अपने आप को बस प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम अ कंप्लीट लूजर, विल यू स्टिल टेक मी, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक लूजर मान के चल रहे हैं। आर एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ इज डिफरेंट, इट इज नॉट इजी टू बिलीव एवरीथिंग यू से, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपकी और उनकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा अलग है और उसमें कुछ भी मैच नहीं होता। तो
आप जो बोल रहे हो उनके साथ रेजोनेट ही नहीं करता है, टेंजेंट जाता है, समझ रहे हो आप लोग? तो आपको थोड़ा बहुत उनको अपने लाइन पर ले आना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, वो आपको बहुत अपने से बहुत ज़्यादा अलग समझते हैं। आपकी और उनकी दुनिया बहुत ही अलग है, और आप अलग अलग दुनिया से जो लोग आते हैं वो एक साथ नहीं हो पाते, उनका ये सोच है। डीएफ सोचती है कि डीएम बिल्कुल अपोजिट होता है, डीएम सोचता है कि जो हमारे लाइफ पार्टनर हो उसकी थिंकिंग हमारे साथ मैच करे, तो ये एक बहुत बड़ा क्लैश हो जाता है। तो आज के लिए गाइस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।